सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। अटॉर्नी जनरल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट नजरसानी कानून बन चुका है। इस कानून साजी के बाद नजरसानी का दायरा अख्तियार समाअत से बढ़कर अपील के मसावी हो गया है। कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी उमूर से मुतालिक है। आपको सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत करनी चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। डॉलर को बड़ा झटका। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में बड़ी कमी। एक दम से 25 रुपए 75 पैसे की कमी। 285 रुपए 25 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 39 पैसे घटकर 285 रुपए 7 पैसे की सतह पर आ गया। चेयरमैन फॉरेक्स एसोसिएशन मलिक उस्तान कहते हैं कि ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में कमी बड़ी कामयाबी है। तरीन ग्रुप खैबर पख्तूनख्वा में कप्तान का प्लेइंग 11 तोड़ने के लिए तैयार। पंजाब के बाद तरीन ग्रुप खैबर पख्तूनख्वा में मुतहरिक। जहांगीर तरीन ग्रुप के पीटीआई दौरे हुकूमत के साबिक वज़रा और अहदेदारों से राब्ते। ज़रा के मुताबिक पीटीआई दौरे हुकूमत के सरकर्ता शख्सियात मुसलसल रूपोशी से परेशान हैं। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की ये दूसरी सियासी जमातों से भी राब्ते। पाक आर्मी के वेटरन्स का चिना हाउस लाहौर का दौरा। वेटरन्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के वफ्द ने चिना हाउस लाहौर में पेश आने वाले वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा, ये बहुत ही रंजीदा कर देने वाला वाक़ा है। हम मुतालबा करते हैं कि जो भी इस अफसोसनाक शर पसंदी में मुलव्वस है, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत। एक शहरी सादिक हुसैन घर वापस पहुंच गया। सादिक हुसैन शहराए नूरजहां थाने की हदूद से लापता हुआ था। अदालत का दीगर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए भी पुलिस को तमाम वसाइल बरूए कार लाने का हुक्म। एफआईए कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल लाहौर की बड़ी कार्रवाई। हुंडी हवाला में मुलव्वस मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से 4,20,00,000 रुपए और 8,50,000 रुपए मालियत के प्राइस बॉन्ड बरामद। मुलजमान हवाला हुंडी और करंसी स्मगलिंग में मुलव्वस थे। जूनियर एशिया हॉकी कप का फाइनल बड़ा हो गया। पाकिस्तान और भारत की टीम आज टकराएंगी। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में मलेशिया को शिकस्त दे दी। और पाकिस्तानी टीम भारत में खेले तो वर्ल्ड कप जीत सकती है। साबिक फास्ट बॉलर उमर गुल का सबसे बड़ी क्रिकेट वेबसाइट cricketpakistan.com.pk को इंटरव्यू। कहते हैं, बाबर आजम अपनी परफॉर्मेंस और अच्छी कप्तानी साबित कर चुके। भारतीय कंडीशंस में पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन कारगर साबित होंगी।